नाज़रीन, मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोग्राम्स पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टीवी के एक बहुत बड़े मद्दा जनाब नाज़िर मलिक। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको दुनिया टीवी की चौथी सालगिरह मुबारक हो भाई। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। हैरान कर दिया, चार साल में ही ऐसा चौका मारा कि बड़े बड़े को छक्के छुड़ा दिए भाई। भाई लोग चार साल की उम्र से पढ़ने जाते हैं, इसलिए तो चार साल में पढ़ने डाल दिया भाई, बल्कि पढ़ाना शुरू कर दिया। क्या बात है भाई। मैंने सोचा हसबियाल में जाकर मुबारकबाद दे गया था, क्योंकि मुझे पता चला कि हसबियाल के तो उसको 750 शो हो गया भाई। बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ हसबियाल ना हुआ तेंदुलकर हो गया भाई। वो कहाँ गया जो इधर पढ़ा होता है? पढ़ा होता है हाँ, इस तरह के फट्टे तो दूर में पड़े होते हैं जिनके ऊपर पेड़े पड़े होते हैं, और वो भी 350 पेड़ा पड़ा होता है। अल्लाह का शुक्र करो इस वक्त बड़ी अनक में फंसा हुआ हूँ। वो तो जो इधर पड़ा होता है चलो हैंडसम तो है ना। आजकल मैंने देखा कि मॉडर्न इलाकों में तंदूर वाली माइया गोरी चिट्टी एनको वाली आ रही है। अच्छा। मजा आया? नहीं आया होगा। हमला तुम पे हुआ भाई। उसके बारे में बताया ना जो यहाँ बैठा होता है। दवा करो, उसको गुजारा कर रहा है बेचारा, बाल बच्चा पाल रहा है, दवा करो। फजूल दानिश्वर बनने की कोशिश कर रहा होता है इतने बड़े मुंह के साथ। तुम बताओ यार, कैसे दानिश्वर ऐसे होते हैं? दूसरे दानिश्वर तो कहते हैं ना कि मुझे तारीख का बहुत पता है, मुझे जोग्राफी का बहुत पता है, मुझे मैथ का बहुत पता है। ऐसे लोगों को अंदरून शहर की गलियों का बहुत पता होता है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा। ऐसे बंदे हर वक्त किसी ना किसी को एड्रेस समझाते हुए ही मिलेंगे। भाई पतली गली से सीधा जाओगे, आगे से दाएं तरफ होगे तो माइल लत्तों वाली गली आ जाए, उसकी एक लात है, वो वही बैठी रहती है। अच्छा। और वो एड्रेस मुंह से नहीं बताती। हाँ। जिस तरफ को जाना हो उस तरफ को बंदे का मुंह करके पीछे से लात मारती है। बंदा पूछे भाई दानिश्वरी का तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक है अजय जी? ज्यादा से ज्यादा तुम इतनी अकल की बात बता सकते हो कि भाई 5 किलो सफेद चनों में कितना मीठा सोडा लगता है। आपको इस बात पे क्या एतराज है? उसको दानिश्वर बनने का शौक है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं कह दूं कि भाई मुझे कतरीना कैफ बनने का शौक है और जवाब ये पेश करूं कि भाई उसकी भी मूछें नहीं है, मेरी भी मूछें नहीं है। मजा आया? आया होगा, कतरीना कैफ पे तो सबको मजा आता है भाई। हालांकि मुझे वो बेचारी मलंगनी सी लगती है। अच्छा? पता ही नहीं उसको क्या पहनना और क्या नहीं पहनना।